हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों, आपको नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 21 अगस्त, आज है नाग पंचमी। अगर किसी के ऊपर अगर काल सर्प दोष चला, अगर रामेश्वर मंदिर नहीं जा सकता तो आज ये उपाय कर सकता है काल दोष को हटाने के लिए। तो काल दोष हटाने के लिए आपको क्या करना है, ये हमारे गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया हुआ उपाय है। तो क्या करना है, आपको एक लोटा लेना है, उसमें आपको चीनी भरना है और चांदी की नाग नागिन मनवानी है। वो कब करना है, जब आप सोमवार के दिन या नाग पंचमी को सोमवार के करना है। नाग पंचमी किसी दिन भी पड़े उस दिन आप कर सकते हैं। इस काल सर्प दोष हटाने के लिए एक लोटे में चीनी को भर लेना है, उसमें चांदी की नाग नागिन छोटी सी, जैसी आपकी श्रद्धा उसी तरह आप बनवा सकती हैं। इसके बाद क्या करना, जब आप रात में सोने जाएं तो आप सिर के पास इसको रख लें। रखना कैसे, वहां पर साफ़ सुथरा करके उस जगह आप इस लोटे को नाग नागिन सहित ऊपर रख सकते हैं। फिर सुबह उठकर आपको क्या करना है, ये उपाय बहुत ज़रूरी है, बताना किसी को भी नहीं, घर में चुपचाप रहना, बोलना नहीं है। स्नान आदि करके उस लोटे को और उसमें जो नाग नागिन रखें उसको एक प्लेट में निकाल लें। चीनी को उसी लोटे में भरा रखकर रहने दें, उसमें कच्चा दूध और चीनी चढ़ाएं और अपनी मनोकामना बोले कि प्रभु मेरे यहाँ से काल दोष खत्म हो जाए हमारा। इसके बाद आप क्या करना है, स्नान आदि करके कर लिया आपने, इसके उस लोटे में जो चीनी का लोटा उसी में आप नारायण को दोबारा स्थापित कर लें और आप मंदिर चले जाएं। बोलना नहीं है, यही सबसे इसमें मेन चीज़ है, आपको बोलना किसी से भी नहीं। धूप दीप लेकर मंदिर जाएं, मंदिर पे शिव भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरा काल सर्प दोष खत्म हो जाए। इसके बाद आप मंदिर से आकर बोलना नहीं, फिर दोबारा से स्नान आदि करके फिर मंदिर में आप फिर चले जाएं। वहाँ पर एक लोटा जल, उसमें थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा बेलपत्र, कनेर का पुष्प डाल के भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारा काल दोष खत्म हो जाए। इसके बाद आपको क्या करना है, भगवान से ऐसे प्रार्थना करते हुए आप अपनी इच्छा को मांगेंगे, भगवान आपकी इच्छा जरूर पूरा करेंगे। ऐसा करने से आपका काल सर्प दोष खत्म हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना। जय महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।